लॉकडाउन के दौरान सोमवार को प्रातःकालीन मंडी सचिव सेवा राम वर्मा ने महवा मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी के आढ़तियों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और मास्क पहनने के निर्देश दिए और कहा कि मंडी परिषद के द्वारा 1000 मास्क उपलब्ध कराया गया है। मंडी में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वह फुटकर विक्रेता हो या थोक व्यापारी हो, अगर उसके पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क दिया जाए। इस मौके पर मंडी परिषद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी सचिव सेवा राम वर्मा ने कहा, दूरी बनाओ यार, दूरी बना के थोड़ा सा ध्यान दो भाई, ध्यान दो आप लोग, दूरी बना के केला वाला भी उधर शिफ्ट होने से थोड़ा सा भीड़ कम हुई है। बेकार जो आता है उसको वहाँ उतार दे रहे हैं, खाली गाड़ी दे रहे हैं। ये बताइए माल खरीदने वाला अरे सब चमारे यहाँ ऐसे वही रुक जाएगा तो फिर कर देगा। चमारे यहाँ ऐसे बेकार आते हैं जो झोरा लेकर के पैसा लेके पॉकेट में आएंगे, यहाँ खरीदेंगे और यहाँ गाड़ी को क्या करेंगे और लेकर। सेवा राम वर्मा मंडी से। मंडी में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनी रहे, हर व्यक्ति मास्क लगा कर ही मंडी में आए। इसके लिए इसमें मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती जिलाधिकारी महोदय की तरफ से किया गया है, मंडी कर्मचारियों की भी तैनाती किया गया है और फुटकर मंडी को भी यहाँ समाप्त किया गया है और ये इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, मेंटेन हो रहा है। जो लोग सर मास्क नहीं लगाते हैं उनके लिए क्या निर्देश आपके द्वारा जो मंडी में आते हैं? जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको तुरंत मास्क लगवाया जाता है, या तो मास्क लगा लें या गमछा बांध लें या रुमाल बांध लें। उनको ये बता भी दिया जाता है, आइंदा के लिए सचेत भी कर दिया जाता है कि मंडी में आने के पहले गमछा से या तो मुँह ढक कर आएंगे मुँह नाक या रुमाल से, अगर मास्क नहीं है तो। और मास्क भी यहाँ पर बेचने वाले सदैव मौजूद रहते हैं जो 15 से 20-25 रुपये में मास्क देते हैं, उस पैसे उनके पास है तो मास्क खरीदवा भी दिया जाता है। मंडी समिति की तरफ से 1000 मास्क कल जितने भी ठेले वाले हैं, पिकअप वाले हैं जो जाके सहरसा में सब्जियां बेचते हैं उनको उपलब्ध कराया गया। आहतियों को भी, पूरे आहतियों में भी मास्क का वितरण किया गया, ये सभी लोग मास्क लगाए गए।